वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाओ ईटेबल्स। वीडियो देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल वाओ ईटेबल्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पिता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैकडी वाले पिज़्ज़ा मैकपफ की रेसिपी। ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो आज हम इनको घर में बनाएंगे, बट थोड़े से हेल्दी ट्विस्ट के साथ हम इन्हें बनाएंगे। घर में बनाकर हम कोई भी चीज़ अपने बच्चों को खिलाते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, लगता है कि हमें पता है कि हमारे बच्चों ने क्या खाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पिज़्ज़ा पफ के लिए सॉस बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मुझे बॉईल करना है। तो बॉईल करने से पहले मैं इनमें कट लगा दूँगी। ये ऐसे मैं कट लगाऊँगी क्योंकि हमें इसका स्किन निकालना है बाद में, तो इसके निकालने के लिए बहुत ईजी रहेगा। ये देखिए, इसी तरह से सारे टमाटर में मैं कट लगाऊँगी। अभी मैंने गैस पर पानी गर्म होने रख दिया है, इसमें मैं टमाटर को डाल दूँगी। ये चार टमाटर मैंने लिए थे, ये चारों टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी और अभी इन्हें 6-7 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक टमाटर बॉईल हो रहे हैं, हम डो लगाकर रेडी कर लेते हैं। डो लगाने के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैदा लिया है। इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैं आटा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल मैकडी स्टाइल चाहिए तो आप मैदा ही यूज़ करें। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच नमक, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच चीनी और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। इसमें ऑयल हमें अच्छे से डालना है, मोयन के लिए ऑयल डालेंगे इसमें हम, तो 4 से 5 चम्मच ऑयल इसमें डाल दें। ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और अभी इसे मिक्स कर देंगे। और अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। याद रहे कि इसमें बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है डो बनाने में। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो रेडी करना है। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालूंगी, ये डो पतला नहीं होना चाहिए। अच्छे से गूंद लें इसको। ये देखिए, डो ये एकदम रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको कवर करके साइड कर दूंगी। और अभी ये टमाटर भी बॉईल हो चुके हैं, गैस ऑफ कर दूंगी। जब तक टमाटर ठंडे हो रहे हैं, मैंने गैस पर ये पैन गर्म होने रख दिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें ये गार्लिक ऐड कर रही हूँ, जो मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप किया है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, अनियन, इसको भी मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और अच्छे से इसको फ्राई करना है, एकदम कच्चापन इसका निकल जाना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। इधर ये टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं, इनकी स्किन में निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं, जो कट लगाया है हमने, उसकी वजह से स्किन बहुत इजीली निकल जा रही है। ये सारे टमाटर से मैंने स्किन अलग कर ली है और अभी टमाटर को अच्छे से मैश कर देंगे। और ये जो टमाटर का ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको निकाल कर अलग कर देंगे और टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं और अभी इधर हमारा ये लहसुन और प्याज भी अच्छे से भून चुका है। इसमें मैं ये मैश किए हुए टमाटर मिक्स कर दूंगी। और अभी इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। और अभी मैं इसमें डालूंगी ये ऑर्गेनो, 1/2 चम्मच ऑर्गेनो डाला है मैंने इसमें, साथ ही मैं 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इस सॉस का कलर बहुत अच्छा आएगा।
और साथ में डाल रही हूँ ये आधा चम्मच नमक। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसमें ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और अभी मैं इसमें डालूंगी ये खाना सोडा। ये 1/4 टेबलस्पून खाना सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे टमाटर का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम रेड हो जाएगा ये। ये देखिए खाना सोडा डालने से कलर कितना चेंज हो गया है टमाटर का, एकदम डार्क हो गया है ये। अभी मैं इसमें वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये अनियन डाल दिया है और अभी मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेंच बीन्स। साथ ही में इसमें डालेंगे ये स्वीट कॉर्न्स, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और ये कैरेट। सभी सब्जियों को मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया था और इसमें डालकर अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। और अभी इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 3 मिनट हो चुका है, अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच टमाटो सॉस। साथ ही मैं इसमें डालूंगी अभी 1 चम्मच चिली गार्लिक सॉस। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये काफ़ी वाटरी लग रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी हम एकदम थिक करनी है। तो मैंने गैस तेज कर दिया है और इसको ऐसे ही चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे जब तक ये पानी पूरा ख़त्म ना हो जाए इसमें से। ये देखिए अभी ये ठीक हो गया है, थोड़ा सॉसी रखना है हमें, एकदम ड्राई नहीं करना है। अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है ये भी। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप चीज़। मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, ये जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे हम पिज़्ज़ा चीज़ भी बोलते हैं। इसको मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है, ये फिलिंग हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसे साइड करूंगी। ये फिलिंग रेडी हो चुकी है, साथ ही ये डो भी सेट हो चुका है जो हमने लगा कर रखा था। इससे मैं अभी थोड़ा सा पार्ट ले लूंगी और उसकी लोई बनाकर गोल पराठे के जैसे इसको बेल लेंगे। ये मैं इसका पराठा बेल लूंगी, कैसी भी शेप आए, टेढ़ा मेढ़ा, बस इसको जल्दी से बेल लीजिए, बाद में हमें इसे कट करना है। ये देखिए मैंने बेल लिया है और अभी हमें इसे स्क्वायर शेप में कट करना है। ये देखिए मैं इसे ऐसे कट कर दूंगी। और अभी जो एक्स्ट्राज है मैं इनको निकाल दूंगी। अभी हमें इसे बीच से कट करना है। बीच से कट करते टाइम याद रखें कि एक पार्ट थोड़ा छोटा और दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। बड़ा पार्ट हमें ऊपर से लगाना है। ये देखिए अभी मैं इस पर एक बार ऐसे ही बेलन मार लेती हूँ, ये मेरे थोड़ा मोटा लग रहा है। और अभी इसे अलग कर लेंगे। अभी ये जो पतली वाली साइड है इस पर हम 1 चम्मच फिलिंग रखेंगे। ऊपर वाली साइड हमेशा थोड़ी बड़ी रखिएगा, उसको थोड़ा चौड़ा रखिएगा, मीन्स जिससे कि आप अच्छे से फिलिंग रख सकें। ये देखिए अभी मैं थोड़ा पानी ले रही हूँ और ब्रश की हेल्प से चारों साइड इसके पानी लगा दूंगी, जिससे कि तलते टाइम ये खुले नहीं, अच्छे से पैक हो जाए। ये देखिए अब इसको मैं इसके ऊपर से रख दूंगी। ये हमने देखिए इसीलिए बड़ा रखा था कि हम उसमें अच्छे से फिलिंग रख सकते हैं। अगर ये इक्वल साइज के होंगे तो आप फिलिंग बहुत कम रख पाएंगे। ये देखिए ऐसे फिंगर से इसको दबाते हुए अच्छे से पैक कर दें। और अभी एक फोक की हेल्प से मैं इस पर डिज़ाइन करूंगी द मैगडी वाली। इसे ये अच्छे से लॉक भी हो जाएगा और डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। ये देखिए इसी तरह से सारे पिज़्ज़ा पफ बनाकर तैयार कर ले। अभी पिज़्ज़ा पफ को तलने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और उसमें मैं ये पफ्स को डाल दूंगी। ये पफ को ना हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत फ्राई करिएगा और सिम पर भी नहीं, इसको हमें मीडियम पर फ्राई करना है।
अभी मैं इसे पलट दूंगी। आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं। उलट पलट करके मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी और इसी तरह से हम सारे मैक पिज्ज़ा पफ बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा मैक पफ बनकर एकदम रेडी है। ये खाने में बहुत यम्मी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।